जीत के बाद चेन्नई सुपर किंग्स को मिली बड़ी खुशखबरी तो बड़ा झटका लगा सनराइज हैदराबाद को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। चेन्नई सुपर किंग्स की धमाकेदार जीत के बाद अब आईपीएल 2022 की पॉइंट टेबल पूरी तरह से बदल चुकी है, जहां पर पॉइंट टेबल में अब कई बड़े बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में पूरी पॉइंट टेबल का समीकरण जानेंगे, साथ ही हम आपको बताएंगे कि चेन्नई सुपर किंग्स इस जीत के बाद अब कितने मुकाबले और जीतने के साथ ही प्ले ऑफ में अपनी जगह पक्की कर लेगी। पॉइंट टेबल से जुड़े हुए तमाम समीकरण हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो दोस्तों बने रहें वीडियो के पूरे आखिर तक। और साथ ही आप भी चाहते हैं कि आपकी फेवरेट टीम आईपीएल 2022 के प्ले ऑफ में अपनी जगह पक्की करे, तो कर दीजिए इस वीडियो को दिल से एक लाइक और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कौन सी चार टीमों को प्ले ऑफ में खेलते हुए देखना चाहते हैं। आपकी फेवरेट चार टीमें हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएँ। दोस्तों, आज के मुकाबले की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स ने काफ़ी शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक शानदार बड़ा स्कोर खड़ा किया। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार 99 रनों की पारी खेली, तो वहीं पर डेविन कॉनवे ने शानदार 85 रनों की पारी खेली, जिसके बदौलत चेन्नई सुपर किंग्स ने 2 विकेट के नुकसान पर 202 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइज हैदराबाद की टीम भी शानदार शुरुआत के साथ उतरी। अभिषेक शर्मा 39 और केन विलियमसन 47 ने शानदार योगदान दिया, लेकिन इसके बाद निकोलस पोरन ने भी 33 गेंदों पर 64 रनों की पारी खेली, लेकिन वो टीम को जीत तक नहीं ले जा पाए और अंत में यहां पर सनराइज हैदराबाद की टीम 189 रन ही बना पाई 20 ओवर में, और इस मुकाबले में उन्हें 13 रनों से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद अब उन्हें बड़ा झटका लगा, तो वहीं पर पॉइंट टेबल भी पूरी तरह से बदल चुकी है। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं आईपीएल 2022 की पॉइंट टेबल का समीकरण। तो दोस्तों, आईपीएल 2022 की पॉइंट टेबल में फिलहाल सबसे आखिरी नंबर पर मुंबई इंडियंस है, जिन्होंने अब तक 9 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से सिर्फ एक मुकाबला जीता, जबकि 8 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इस टीम के फिलहाल 2 पॉइंट है, जबकि नेट रन रेट -0.836 है, यानी कि इस टीम के अब प्ले ऑफ में पहुँचने के चांस 0% है, यानी कि यह टीम अब प्ले ऑफ में नहीं पहुंच सकती है। वहीं पर दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 9 टीम की, तो यहाँ पर मौजूद है चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स ने अब तक 9 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 3 मुकाबले जीते हैं, जबकि 6 मुकाबलों में इस टीम को हार का सामना करना पड़ा है। चेन्नई सुपर किंग्स ने आज के मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की और अब चेन्नई सुपर किंग्स के 6 अंक हो चुके हैं, यानी कि इस टीम के अब प्ले ऑफ में पहुंचने के दावेदार बनती जा रही है। चेन्नई सुपर किंग्स के अभी भी 5 मुकाबले बचे हुए हैं, अगर 5ों मुकाबले चेन्नई सुपर किंग्स जीती है तो इनके 16 पॉइंट हो जाते हैं, यानी कि बिना किसी दूसरी टीम पर निर्भर रहकर भी ये टीम प्ले ऑफ में पहुँच सकती है। वहीं पर 1 मुकाबला हारती है तो 14 पॉइंट के साथ भी ये टीम प्ले ऑफ में पहुँच सकती है, लेकिन वहाँ पर नेट रन रेट और दूसरी टीमों के परफॉर्मेंस पर निर्भर रहना पड़ेगा। फिलहाल चेन्नई सुपर किंग्स की नेट रन रेट -0.407 है, लेकिन प्ले ऑफ में पहुँचने के पूरे चांस है इस टीम के भी। वहीं पर दोस्तों, नंबर 8 की हम बात करें तो यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स है, जिन्होंने 9 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 3 मुकाबले जीते हैं, जबकि 6 मुकाबलों में इस टीम को हार का सामना करना पड़ा है। फिलहाल इस टीम के 6 पॉइंट है, जबकि नेट रन रेट -0.006 है, और कोलकाता नाइट राइडर्स इस समय नंबर 8 पर मौजूद है। यह प्ले ऑफ में पहुंच सकती है सभी मुकाबले जीतकर। तो वहीं पर दोस्तों, नंबर 7 टीम की हम बात करें तो यहाँ पर पंजाब किंग्स हैं, जिन्होंने 9 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 4 मुकाबले जीते हैं, जबकि 5 मुकाबले हारे हैं, और इनके फिलहाल 8 पॉइंट है। नेट रन रेट इनकी -0.470 है। अभी भी अपने बचे हुए 5 में से ये टीम 4 मुकाबले जीती है तो प्ले ऑफ में पहुँच सकती है। वहीं पर दोस्तों, नंबर 6 टीम की हम बात करें तो यहाँ पर मौजूद है दिल्ली कैपिटल, जिन्होंने 9 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 4 मुकाबले जीते हैं, जबकि 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। फिलहाल दिल्ली कैपिटल के 8 पॉइंट है, जबकि नेट रन रेट +0.587 है। ये टीम भी यहाँ पर प्ले ऑफ में पहुँच सकती है अपने बचे हुए 5 में से अगर 4 मुकाबले जीतती है तो। वहीं पर दोस्तों, नंबर 5 टीम की हम बात करें तो फिलहाल नंबर 5 पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर है, जिन्होंने अब तक 10 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 5 मुकाबले जीते हैं, जबकि 5 ही मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। फिलहाल इनके 10 पॉइंट है, जबकि नेट रन रेट -0.558 है। अगर ये टीम अपने बचे हुए 4 में से 3 मुकाबले जीती है तो प्ले ऑफ में पहुँच सकती है। वहीं पर अब बढ़ते हैं टॉप 4 टीमों की तरफ, तो नंबर 4 पर फिलहाल सनराइज हैदराबाद है। आज के मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स से मिले हार के बावजूद भी ये टीम नंबर 4 पर है। फिलहाल इनके 9 मुकाबलों में 5 जीत है, जबकि 4 हार हैं। 10 पॉइंट इस टीम के हो चुके हैं। नेट रन रेट इनके +0.471 है, जो कि काफ़ी शानदार है, लेकिन अपने आखिरी 2 मुकाबले गंवा चुकी है टीम और बचे हुए अपने 5 मुकाबलों में से अब भी 3 मुकाबले इस टीम को जीतने हैं।
वहीं पर दोस्तों नंबर तीन की टीम की बात करें तो यहाँ पर अब राजस्थान रॉयल्स आ चुकी है। राजस्थान रॉयल्स ने 9 मुकाबले खेले हैं जिनमें से 6 मुकाबले जीते हैं जबकि 3 मुकाबले हारे हैं। फिलहाल राजस्थान रॉयल्स की 12 पॉइंट है जबकि इनकी नेट रेटेड प्लस 0.450 है जो कि काफ़ी शानदार है। अब 2 मुकाबले इस टीम को बचे हुए 5 मुकाबलों में से जीतने हैं। वहीं पर दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 2 टीम की, तो यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स है जिन्होंने 10 मुकाबले खेले हैं जिनमें से 7 मुकाबले जीते हैं जबकि सिर्फ 3 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। फिलहाल लखनऊ सुपर जायंट्स के 14 पॉइंट है जबकि नेट रन रेट इनकी प्लस 0.397 है जो कि काफ़ी शानदार है। प्ले ऑफ में पहुँचने के लिए इस टीम को सिर्फ 1 मुकाबला जीतना है। वहीं पर दोस्तों नंबर 1 टीम की हम बात करें तो यहाँ पर गुजरात टाइटंस की टीम है। गुजरात ने अब तक 9 मुकाबले खेले हैं जिनमें से 8 मुकाबले जीते हैं जबकि सिर्फ 1 मुकाबला हारा है। इनके फिलहाल 16 पॉइंट हो चुके हैं जबकि नेट रन रेट प्लस 0.377 है, यानी कि आईपीएल 2022 के प्ले ऑफ में पहुँचने वाली पहली टीम गुजरात टाइटंस बन चुकी है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि लखनऊ सुपर जायंट्स बिल्कुल करीब है, राजस्थान रॉयल्स और सनराइज हैदराबाद भी काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है। लेकिन दोस्तों अभी भी टक्कर में आरसीबी, डीसी, पीबीके, एसकेआर और सीएसकेबी बनी हुई है। सिर्फ एक टीम अभी आईपीएल से बाहर हुई है, वो है मुंबई इंडियंस। बाकी सभी टीमों के अभी भी प्लेऑफ में पहुंचने के चांस हैं और लगातार जीत इन्हें दर्ज करनी होगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कौन कौन सी टीमें पहुंच सकती है, हमें अपने फेवरेट टीमों के नाम कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो के पूरे आखिर तक बने रहने के लिए।